नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एरा ग्लोबल स्कूल इन योर मैथ्स क्लास। दिस इज योर नेहा मैम, आई एम टीचिंग यू मैथ्स। सो किड्स, व्हाट वी वर डूइंग चैप्टर 9, दैट इज मेजरमेंट, राइट। सो हमने मेजरमेंट क्या क्या किया मेजरमेंट में, लेट्स सी। सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक। Now let's see कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया। So kids, in our last class we have done standard unit of weight। हमने लर्न किया था स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर वेट, क्या क्या यूनिट्स हैं जिससे हम वेट को मेजर करते हैं। So that was gram and kilogram। ग्राम का शॉर्ट फॉर्म जी, किलोग्राम का kg। We have done this exercise also, that is exercise number 3, right? And hope कि आपको जो मैंने IBL दिया था कि वेट करके देखने का है, that you are doing the which is heavy, which is light, right? आपके घर में रोज vegetables आते हैं, है ना? So you can see और कि कौन सा ज़्यादा heavy है, कौन सा light है, and आपने बहुत सारे बच्चों ने तो ये वाला बनाया भी है घर पे मेजरिंग स्केल। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल एंड वेरी गुड टू यू ऑल कि आपने बहुत सारे बच्चे ने बनाया एंड दे हैव सेंड मी पिक्स ऑफ दिस। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड जॉब कि आपने अपने टीचर का बात माना एंड यू आर प्रैक्टिसिंग वेरी वेल। सो बहुत बच्चों ने मेजर भी किया विच इज़ हैवी विच इज़ लाइट, किसी ने टोमेटो, किसी ने पोटैटो, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स। दैट्स वेरी गुड। Now let's move to today's topic. Today we are going to learn about addition and subtraction of weight, right? हमने addition and subtraction length का किया। Today we will do addition and subtraction of weight, right? So let's start with an example. Now see. You have to write with me, okay? Sorry, read with me. Write नहीं करना, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, just मेरे साथ reading करना है, okay? Now, Sia has 3 kilo potato. Let's read this example. Sia has 3 kg potato. Kg मतलब किलोग्राम, right? Venu has 4 kg more potatoes than Sia. Irfan has 6 kg potatoes. Now, चलो इसका हिंदी में पढ़े हम लोग। We will translate this in Hindi. Sia has 3 kg potato. Means, Sia के पास 3 kg potato है. Right? Venu has 4 kg more potatoes than Sia. Venu के पास सिया के पास जितना है ना उससे 4 kg मोर है, मतलब 3 + 4 कितना है, 4 kg मोर पोटेटोस देन सिया। सिया के पास जितना है उससे 4 kg मोर, मतलब 3 भी है और 4 भी है, राइट। एंड इरफान है 6 kg पोटेटोस। नाउ सी, सिया है 3 kg पोटेटोस, वेनु है 4 kg मोर देन सिया and Irfan has 6 kg. See, how much number A, how much potato does Venu have? तो Venu के पास 3 kg तो है, right? Now Sia से 4 kg more है, मतलब Venu has 4 kg more than Sia. ये Sia के पास है, ये Venu के पास more, मतलब उसके पास ये भी है और ये भी है, इससे 4 kg ज़्यादा है, right? तो वेनु के पास कितना होगा, 3 + 4 दैट इज 7 kg, राइट? बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है 4 kg मोर पोटेटोस, मोर पोटेटोस देन सिया। तो सिया के पास जितना है उसमें उस वेनु वाला जो पोटेटो दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे, दैट मीन्स 3 + 4, राइट? सो 3 kg प्लस 4 kg इज इक्वल टू 7 kg. So Venu has 7 kg potato.
Now, number B, how much less potato does Sia have than Irfan? Sia के पास कितना कम potato है Irfan से? So see, Irfan के पास 6 kg, Sia के पास कम है 3 kg. तो मैंने ये बार कम वाला बनाया इन्होंने. See, Irfan के पास 6 kg, Sia के पास 3 kg. तो Sia के पास कितना कम है? This we have to find. तो इरफान में से सिया वाला को माइनस कर देंगे. दैट इज 6 माइनस 3. सो सिया हैज 3 kg, माइनस किया तो लेस पोटेटो देन इरफान. इरफान के पास 6 kg है, सिया के पास 3 kg. तो कितना कम है इसके पास? 3, 4, 5, 6. 3 के पास 6 तक जाओ, 3 kg कम है. तो सिया हैज 3 kg लेस पोटेटो देन इरफान. राइट, नाउ एग्जाम्पल 2, यू हैव टू रीड विथ मी. ओके, टीना वेट्स 29 kg, 580 ग्राम. टीना का वेट कितना है? 29 kg, 580 ग्राम. एंड सिया वे 26 kg, 150 ग्राम. हाउ मच हैवियर इज टीना देन सिया? सिया का जब वेट किया ना, तो उसका वेट निकला, सॉरी टीना का 29 kg, 580 ग्राम. और सिया का जब किया तो 26 kg, 150 ग्राम. नाउ सी, ये 29, ये 26. हमें ये देखना है क्योंकि ये केजी है. केजी अगर ये देखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. ओके, वट वी हैव टू सी, क्योंकि केजी ज्यादा होता है ना, केजी ज्यादा हैवी होता है. तो 29 kg, 26 kg, इट मीन्स टीना ज्यादा हैवी है, मोर हैवी. 29 kg, 580 ग्राम, 150 ग्राम. आप बोलोगे मैम ये 580 ग्राम है, ये 150 ग्राम, तो ये ज्यादा है. नो, हमें केजी देखना है कि केजी किसका ज्यादा है. राइट, नाउ हाउ मच हैवियर, अब टीना कितनी ज्यादा हैवी है उससे? नाउ सी, जो ज्यादा है उसको बार बनाते, उसका वाला बार बड़ा. तो 29 kg, 580 ग्राम. सिया का कम है तो उसका बार छोटा. राइट, नाउ हमें ये फाइंड करना है. तो सी, जब ये दिया हुआ है टोटल ज्यादा और ये कम दिया हुआ है, देन व्हाट वी कैन डू? सब्ट्रैक्शन. सी, यहाँ पे दोनों दिया हुआ है 3 kg, 4 kg, तो हमने एडिशन किया. यहाँ पे ज्यादा वाला दिया हुआ है एंड कम वाला कितना कम है वो फाइंड करना है. देन सी, ये वाला, दैट मीन्स हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा. सेम यहाँ पे ज्यादा दिया हुआ है एंड दे आस्किंग हाउ मच हैवियर इज टीना. टीना सिया से कितनी ज्यादा हैवी है? देन व्हाट वी डू? सब्ट्रैक्शन. राइट, तो बिग में से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, एंड देन वी विल गेट आंसर. टीना इज 3 kg, 430 ग्राम हैवियर देन सिया. नाउ व्हाट इज योर आईबीएल टुडे? आपका क्या होगा पता है? व्हाट यू विल डू, यू विल आस्क योर मदर्स वेट, अपनी मम्मा का वेट पूछना. राइट, एंड योर वेट. ओके, क्या करना है आपको? आपकी मम्मा का वेट पूछना है आपको, मम्मा का वेट करवाना है. एंड देन आपको अपना वेट तो पता ही होगा. देन व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, हाउ मच योर मम्मा इज हैवियर देन यू. आपकी मम्मा आपसे कितनी हैवी है? राइट, और ऑब्वियस है कि मम्मा का वेट आपसे ज्यादा ही होगा, बिकॉज सी इज टॉल इन हाइट, सी इज मोर देन हैवी देन यू. यू आर किड ना, अभी आप बच्चे हो, तो मम्मा का तो वेट ज्यादा ही होगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, कि आपका वेट मम्मा से कितना कम है. ओके, और अदरवाइज मतलब उसका सेम क्वेश्चन यही होगा कि मम्मा कितनी ज्यादा आपसे हैवी है. ओके, सो यू हैव टू फाइंड हाउ मच हैवियर इज योर मम्मा देन यू. राइट, यू विल डू दिस वर्क फॉर मी. जैसे आपने ये वाला बनाया था ना, नाउ अब ये वाला वेट का भी करके दिखाना मुझे. ओके,
कि आपकी मम्मा आपसे कितनी ज्यादा हैवी है। ओके मम्मा का वेट 50 होगा या 60 होगा, वट एवर, उसमें से आप अपना वेट को माइनस करोगे। आपका जो भी वेट हो 20, 25, 18, ओके दैट यू विल सब्ट्रैक्ट एंड देन यू विल टेल मी कि मम्मा कितनी ज़्यादा आपसे हैवी है। अभी नहीं बताना है, देन जस्ट नोट डाउन इन योर 3B नोटबुक या किसी रफ नोटबुक में, मुझे बाद में बताना। ओके सो दिस इज योर IBL फॉर टुडे। ओके चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, दैट इज एक्सरसाइज 4। चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेट लिखोगे एंड हाफ वी विल डू फॉर क्लास वर्क, हाफ फॉर होमवर्क। चलो स्टार्ट। नंबर 1, एट द फॉलोइंग। 6 + 9, इट्स वेरी इजी। बिगर वाले को माइंड में, 9 इन माइंड, 6 इन फिंगर, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 kg। नाउ दिस यू कैन डू, दिस यू विल डू। चलो मैं ये करती हूँ आपके लिए, दिस एंड दिस। 3 + 4, 7, 2 + 5, 7, या कुछ नहीं है मीन 0, सो 9 + 0, 9, राइट। नाउ द लास्ट वन, 2 + 5, 5 इन माइंड, 2 इन फिंगर, 6, 7, अगेन 7 इन माइंड, 2 इन फिंगर, 8, 9, नाउ 5 इन माइंड, 1 इन फिंगर, 5 आफ्टर 6, सो दिस 2 इज फॉर योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, माइनस करना है, सो 5 - 4, सिंपल 1। नाउ आई विल डू दिस फॉर यू, दिस यू कैन डू योर सेल्फ। लास्ट वाला हम करें, 5 - 0, 5, 2 - 0, 2, 6 में से 5 गया 1, राइट, एंड दिस इज सिंपल, सो यू कैन डू। इसमें बोरो भी नहीं करना है अभी, ओके। 9 में से 8 यू कैन डू, 7 - 1, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नाउ दिस 3 इज योर होमवर्क इन दिस। सॉल्व द फॉलोइंग, आपको मैंने पहले भी बताया था, सॉल्व द फॉलोइंग में प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, राइट। तो आई विल डू 1 + 4 u, 1 + 7 + 1 = 8, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8। आप अच्छे से काउंटिंग करके लिखना, ओके। 2 + 2 = 4, 5 + 1 = 6। नाउ सब्ट्रैक्शन, 5 में से 4 गया 1, नाउ सी 4 में से 5 कैन वी डू, 4 इज स्मॉलर, 4 में से 5 कैसे ले सकते हैं, सो व्हाट वी विल डू, बोरो करेंगे इससे। तो बोरो किया तो ये हो गया 1, 4, 14 एंड ये हो गया 1, नाउ 5 के पास से 14 तक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, what we will get, yes 9, और ये 1 - 1 = 0, right। Now 2 - 1 = 1, 7 - 1 = 6, अगर यहाँ आपको नहीं समझ तो यू कैन राइट हियर ऑल्सो, ओके। सो 14 में से 5, राइट, सो यू विल डू लाइक दिस। आई हैव डन दिस फॉर यू, ओनली दिस इज होमवर्क फॉर यू एंड दिस। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वेट ऑफ द लैपटॉप इन केजी। यहाँ लैपटॉप दिया हुआ है, यहाँ केजी का वो रखा हुआ है, वजन करने वाला जो होता है ना, दैट इज, ओके। तो देखो यहाँ पे कितना है, कैन यू सी, 2 kg और 1 kg, दैट इज 3 kg, सो द वेट ऑफ द लैपटॉप इज 3 kg।
क्योंकि 2 kg और 1 kg है, देन इट इज इक्वल. सी कैन यू सी द साइन ऑफ इक्वल, मतलब ये मिडिल में आ जाता है ना, तो इट इज 3 kg. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. आना'स वेट इज 38 kg, रोमा'स वेट इज 5 kg लेस देन आना. वॉट इज रोमा'स वेट? आना का वेट है 38 kg और रोमा का वेट है आना से 5 kg कम, राइट? 5 kg कम है उसका, तो वॉट इज रोमा'स वेट? तो सी, आना का वेट 38 ज्यादा और इसका कम है, तो मैंने कम वाला बार यहाँ बनाना है, रोमा का इतना, और 5 kg मतलब 38 में से 5 kg माइनस करेंगे, दैट इज 38 सब्ट्रैक्ट बाय 38 माइनस 5 kg, राइट? एंड वी कैन डू लाइक दिस, 38 माइनस 5, ओके? नाउ 8 माइनस 5, 5 के बाद से 8 तक, 6, 7, 8, दैट इज 3, ये 3 का 3, जो कि यहाँ 0 है, ओके? तो व्हाट इज दिस, 33, वी गॉट 33, तो रोमा का वेट कितना होगा? 33 और ना का 38. नाउ हाउ यू विल चेक योर आंसर? रोमा का वेट कितना है? 33 और आना का उससे 5 kg ज्यादा है, क्योंकि रोमा का 5 kg इससे कम है, तो इसका तो ज्यादा ही होगा ना. तो आप सी 33 प्लस 5 करोगे 34, 35, 36, 37, 38. सी आना का वेट आया 38, तो योर आंसर इज राइट. So, Anna's Roma's weight is 38 kg. Right? आपको ये वाला सेंटेंस बार बार पढ़ना है, देन यू कैन अंडरस्टैंड. Roma's weight is 5 kg less than Anna. Anna से 5 kg less है, मतलब Anna का पूरा जो दिया हुआ है 38 less है, इसलिए ये वाला छोटा बनेगा इसका बार. तो अगर हमें ये वाला पोर्शन फाइंड करना है, तो हमें बिग में से स्मॉलर वाला को माइनस करना होगा, देन यू कैन गेट, राइट? सो ये आपका 33 आ गया, है ना? रोमा'स वेट इज 33 kg. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. अभिषेक हैड 150 kg फ्लोर एट हिज शॉप. ही सोल्ड 50 kg ऑन सैटरडे and 40 kg on Sunday. How much floor did he sell altogether on Saturday and Sunday? Now Abhishek ke paas 150 kg floor, matlab aata, floor means aata. Okay? Dukan mein, shop matlab shop mein, uske dukan mein. Ab usme se usne he sold 50 kg on Saturday. Saturday ko kitna sold kiya? 50 kg. एंड संडे को 40 kg. हाउ मच फ्लोर डिड ही सेल ऑल टूगेदर, मतलब साथ में कितना सेल किया सैटरडे और संडे. तो सी सैटरडे 50, संडे 40, दैट मीन्स 50 प्लस 40 ऑल टूगेदर दिया हुआ है, राइट? सो 50 प्लस 40, 0 0 0, 5 प्लस 4 9, दैट मीन्स टोटल कितना सेल किया? यस 90 kg. ही सोल्ड 90 kg फ्लोर ऑल टुगेदर ऑन सैटरडे एंड संडे. इजी है ना? सो यू कैन डू दिस. सो नो होमवर्क, ओनली दिस मच इज योर होमवर्क. ओके, ये तो मैंने आपको कर दिया है, तो यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक, बिकॉज ये तो मैंने अपने टेक्स्ट बुक में किया, राइट? So you will do this for homework, okay? You have to complete exercise 4, right? Now let's see some mental math. Some weights are given below. ये weight कुछ दिया हुआ है, सी 10 kg का weight, 5 kg, 2 kg, 1 kg. What weights given above would you choose to form the following weight? 12 kg के लिए हम क्या क्या करेंगे? 10 kg लेंगे, 2 kg लेंगे. 15 kg के लिए इट्स वेरी इजी, 10 kg लेंगे,
और 5 kg, 10 + 5 = 15, 4 8 kg, हमें इसमें से ही लेना है ना, तो 8 kg आई हैव टेकन, 5 kg प्लस 2 kg प्लस 1 kg, 5 + 2 = 7, 7 + 1 = 8, 7 kg के लिए 5 kg प्लस 2 kg, 5 + 2 = 7. नाउ दिस यू कैन डू फॉर योर वर्क होमवर्क. चलो आप ट्राई करना, 3 kg कैसे बनेगा, 2 + 1, 2 kg, देखो जैसे यहाँ पे 3 kg हुआ ना, 2 को लिया और 1 को लिया, तो व्हाट यू विल टेक, 2 kg प्लस 1 kg, 6 kg में 5 kg, 1 kg, इट विल बी 6 kg. सो दिस यू विल डू योर सेल्फ. ओके, सो दिस मच फॉर टुडे, वी हैव फिनिश्ड आवर एक्सरसाइज 4. नाउ नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट विद आवर कैपेसिटी ऑल्सो, राइट? सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय.